आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यनस्थम च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ये श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति में सेवा को त्वरित करके श्री भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने हेतु मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। श्री भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व भी उनसे अभिन्न है। बस एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा श्री भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत मनुष्य के लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार कर देती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को कम नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लीन रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। जिस प्रकार किसी वेद पारक ब्राह्मण को दिया हुआ दान असंख्य गुना होकर वापस मिलता है, ठीक उसी तरह शुद्ध भक्त की संगति से श्री भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी सुनिश्चितता है। हरे कृष्णा।